हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि सचान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज दोस्तों मैं शिमला मिर्च की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। बनाने में है बहुत आसान और साथ ही साथ खास मौके पे आप इसे बना सकते हैं, रेगुलर भी बना सकते हैं, लेकिन कोई छोटी मोटी पार्टी है तो आप उसके लिए भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा शिमला मिर्च। बहुत ज़्यादा बड़ा ना लें, बहुत ज़्यादा छोटा ना लें, मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च ले सकते हैं। और कुछ इस तरह से शिमला मिर्च को हम काटेंगे बीच से। इसका जितना भी ये सफ़ेद वाला हिस्सा होता है इसे काट के निकाल देंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, कड़वा होता है हल्का सा। तो बस कुछ इस तरह से शिमला मिर्च को काट लेना है। वैसे आप चाहे तो इसे कितने भी बड़े या कितने भी छोटे शिमला मिर्च के साथ में भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसे, जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है, इस रेसिपी को आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शिमला मिर्च ही होनी चाहिए। अब इसके ऊपर का जो ये डंठल होता है इसे हम बड़ी सावधानी से निकालेंगे, पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, और जहाँ से बीज का जुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसे भी बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बीज हमने निकाल दिए हैं, जो वाइट वाला फ्लैश है उसे भी हम यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। शिमला मिर्च को काटने से पहले ही धो लें और इस तरह के आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी। अब रखने में इसे थोड़ी आसानी हो जाए इसलिए नीचे भी हम इसे हल्का सा बराबर कर लेंगे। और जितनी भी शिमला मिर्च आपको चाहिए उतनी ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 शिमला मिर्च ली है, इससे हमें 6 पीसेस मिल जाएंगे। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। गैस में एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे या फिर कोई पैन चढ़ा लेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, घी, कुछ भी ले सकते हैं आप, यानी कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, चाहे तो थोड़ा सा सौंफ वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं आप। जीरा और हींग अच्छे से पक गया है तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर कूट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, इसे हम इस तेल में भून लेंगे। ये मसाला डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, 1 मीडियम साइज़ का प्याज डालिए। अगर आप ज़्यादा शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने वाले हैं तो प्याज की मात्रा को भी आप यहाँ पर कम या ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल लिया है। नमक डालने से प्याज जो है हमारी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। प्याज को पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है। इसके बाद इसमें उबले हुए और मैश किए हुए हम आलू डाल देंगे। आलू के साथ में आप पनीर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर पनीर को कद्दूकस कर लीजिए या हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं। उससे जो आपकी सब्ज़ी है एकदम पार्टी स्टाइल रिच हो जाएगी। पर अगर पनीर नहीं है घर पर तो सिर्फ आप आलू भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। नमक डालेंगे यहाँ पर स्वादानुसार, और इसी के साथ साथ इसमें डालेंगे गरम मसाला। आप यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस या फिर 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर ले सकते हैं। उससे जो आपकी फीलिंग है वो और भी बहुत ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। अब हम इस मसाले को, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए लगभग इसे थोड़ा सा हम फ्राई करते हुए, यानी कि मिक्स करते हुए पका लेंगे, जिससे आलू में मसालों के जो फ्लेवर हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएं। अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इस फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अगर आप जल्दबाजी में बना रहे हैं तो गर्मा गर्म भी इसे ले सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ की जगह आपको चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो फिलिंग है मैं इसमें भर रही हूँ तो मैं चम्मच की सहायता से ही भर रही हूँ, क्योंकि ये हल्की अभी गर्म है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी फिलिंग जो है, यानी जो आलू का मसाला है, वो पूरी तरह से ठंडा हो। आप इसे गर्म भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा थोड़ा जो मसाला है वो सभी शिमला मिर्च में भर देंगे। अब पहले हम एक साथ ही पूरी तरीके से नहीं भरेंगे, इस तरह से फिलिंग करने में आपको अंदाज़ा लग जाता है और बाद में कोई भी शिमला मिर्च का टुकड़ा आपका खाली नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम 1-1.5 चम्मच फिलिंग सभी में डाल देंगे और बाकी जो फिलिंग बाद में बचेगी उससे हम इसे अच्छे से ऊपर तक भर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, शिमला मिर्च को भरने के बाद में इसके ऊपर आप डालिए चावल का आटा या फिर अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर या फिर आप बेसन भी ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो है यहाँ पर मैं ऊपर से चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ, ऐसा करने से जो हमारी शिमला मिर्च है
वो जो आलू है जो निकलेगी नहीं पकाते समय, एक कोटिंग हो जाएगी, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा आपकी इस रेसिपी को यानी सब्जी को, और इसके साथ ही साथ में बहुत ही कुरकुरी बनेगी। अब वापस से एक पैन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, आप इसे रोटी वाले तवे पे भी बना सकते हैं थोड़ा सा ग्रीस करके उसे, या ज़रूरत पड़े तो आप बाद में भी तेल का इस्तेमाल चम्मच से थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। कोई पैन भी ले सकते हैं, तवा ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं। अब तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, तब हम इसमें जिस तरह हमने कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा लगाया है यानी फिलिंग की साइड पे, हम यहाँ सारे टुकड़ों को कुछ इस तरीके से रख देंगे। आई होप वीडियो में आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। गैस की आंच को यहाँ पर लो मीडियम करेंगे, डिपेंड करता है कि जो आपका पैन या तवा है वो हल्का है या भारी है। अगर भारी है तो मीडियम कर सकते हैं, हल्का तवा है या हल्का पैन है तो आंच को लो रखिएगा। सारी शिमला मिर्च को हमने रख दिया है उल्टा करके, और अब हम ढक्कन से ढक देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में जो नीचे की लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो शिमला मिर्च है हमारी ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हम थोड़ा ध्यान से चिमटे की सहायता से, चम्मच से पलटने में इसे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इस तरह का कोई टोंग या फिर रोटी वाला चिमटा ले सकते हैं, कलछी ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। और अब हम इनको एक बार फिर से पलट देंगे तो देखिए यहाँ पर जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ गया है, क्रिस्प है। इससे जो है कोटिंग हो गई है आलू की, आलू की फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और जलेगी नहीं। आप चाहे तो थोड़ा और डार्क कलर होने तक रुक सकते हैं, इसके बाद पलटाएं शिमला मिर्च को। भाप की वजह से यानी ढककर पकाने की वजह से जो ऊपरी हिस्सा है, बाहर वाला जो हिस्सा है शिमला मिर्च का, वो भी सॉफ्ट हो गया है। ऐसा करने से ये पकने में आसानी होगी, पकाने में। तो अब हम इनको बस पलटते हुए इसी तरह पकाते रहेंगे चारों तरफ से। तेल अगर पूरा सोक हो जाता है, आपको लग रहा है कि तेल नहीं बचा है, तो आप चम्मच से इसमें ऊपर से यानी कि साइड्स में तेल को डाल सकते हैं। फिर से कवर कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। तो नीचे की साइड से भी ये पक गए थे तो मैंने इन्हें पलट लिया था। अब यहाँ पर इस सब्ज़ी को आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे, तेल का ध्यान रखेंगे तो जो आपकी सब्ज़ी है वो जलेगी नहीं और जो टुकड़े हैं जो पीसेस हैं वो टूटेंगे नहीं। तेज आंच में पकाएंगे तो चिपक जाएंगे और जो शिमला मिर्च की फिलिंग है वो भी निकल सकती है और टूट सकती है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इस तरह से बनी हुई जो शिमला मिर्च की सब्ज़ी होती है ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप दाल के साथ में सर्व कर सकते हैं और पूरी, पराठे, चपाती, नान के साथ में भी आप इसे बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो शिमला मिर्च की सब्ज़ी होती है, शिमला मिर्च में एक स्मेल होती है, उसकी वजह से लोग इसे खाना कम पसंद करते हैं। पर आप एक बार ये पार्टी स्टाइल सब्ज़ी बना के देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप फिलिंग को बना के रख सकते हैं कभी भी, उसके बाद आपकी सब्ज़ी 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। सारे शिमला मिर्च हमारे तैयार हो गए हैं तो अब हम इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे और ये सर्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अक्सर घर पर शिमला मिर्च आती रहती है तो एक बार इस तरह से बना करके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।